Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss a built-in function, strcmp. So let's start. So एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग कंपेयर के लिए फंक्शन, के वो स्ट्रिंग आइदर इक्वल हैं, लेस है एक स्ट्रिंग दूसरे से, या एक स्ट्रिंग ग्रेटर है दूसरे से. तो जो स्ट्रिंग का कंपैरिजन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ आस्की वैल्यूज़ होता है. सो यानी कि फर्स्ट, अगर एक स्ट्रिंग में जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो सेकंड के फर्स्ट कैरेक्टर से कंपेयर होता है और आस्की वैल्यूज़ कंप्यूटर में सेव हुई होती हैं, कंप्यूटर मतलब आस्की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं. सो जहाँ पर डिफरेंस आता है करेक्टर्स में तो वो देखता है कि किसकी आस्की वैल्यू दूसरे से ग्रेटर है. सो उस बेस पे वो स्ट्रिंग दूसरे से ग्रेटर जाती है. लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है एस टी आर आई का वर्ड जब आप यूज़ कर देते हैं. सो यहाँ पर माइंड में रहे कि एस टी आर आई इसलिए यूज होता है कि केस को इग्नोर कर देते हैं. मीन्स अगर मैं एक वर्ड एंटर करता हूँ ए बी सी और नेक्स्ट वर्ड एंटर करता हूँ कैपिटल ए बी सी, सो आस्की वैल्यूज़ कंप्यूटर में जब आस्की वैल्यूज़ की बात आती है सो इसकी आस्की वैल्यू और है और स्मॉल ए की आस्की वैल्यू और है, तभी इसको केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहा जाता है. लेकिन जब हम एस टी आर आई का वर्ड यूज़ करते हैं तो आई का मतलब है एक इग्नोर, ठीक है, इग्नोर केस. तो इसमें क्या होता है कि इस केस में क्या होगा कि ए बी सी और स्मॉल ए बी सी ये मैटर नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि ये स्ट्रिंग एज इक्वल ही बिहेव करेगी. समटाइम्स हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि अगर इसमें इक्वल एंटर कर दिया लेकिन केस का फ़र्क आ गया, सो हमें कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको इग्नोर कर दें, ये चीज़ मैटर नहीं करे हमारे लिए अगर, तो फिर हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. सो इसको हम यहाँ पर मैंने दो वर्ड्स जस्ट एज वेरिएबल लिए हैं और यहाँ पर मैंने दोनों वर्ड्स वर्ड एंड वर्ड वन वेरिएबल लिख दिया है और यहाँ पर ये फंक्शन लिख दिया. ये एज इट इज़ रहेगा फंक्शन का नेम और इसको मैंने आर में सेव किया. आर में इसलिए क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करता है. जब ज़ीरो होती है तो वो इक्वल होती है स्ट्रिंग्स, जब वन होती है तो वो ग्रेटर होती है एक स्ट्रिंग दूसरे से फर्स्ट वाली सेकेंड से ग्रेटर होती है, और जब माइनस वन होती है तो फर्स्ट वाली सेकेंड से स्मॉलर होती है. अब मैं जस्ट यहाँ पर इफ़ को यूज़ करूँगा, इफ़ आर इक्वल इक्वल ज़ीरो, तो ज़ीरो का मतलब है कि दोनों इक्वल हैं. सो यहाँ पर क्या होगा, सी आउट इक्वल इफ़ आर इक्वल इक्वल्स वन, सो सी आउट, अगर आर वन के इक्वल है तो फर्स्ट सेकेंड से ग्रेटर है, तो वन इज़ ग्रेटर देन टू, वन का मतलब एज ए स्ट्रिंग है. यहाँ पर अगर else if यूज़ किया जाए तो बेटर है क्योंकि कंप्यूटर फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी, कंपाइल टाइम कम हो जाएगा. और else में क्या आ जाएगा कि सी आउट वन इज़ लेस देन. क्योंकि एल्स में यही है कि वैल्यू ज़ीरो भी नहीं है और वन भी नहीं है, सो वैल्यू माइनस वन ही हो सकती है क्योंकि आर को तीन ही वैल्यूज़ रिटर्न हो सकती हैं, ठीक है. अब ये नहीं है यहाँ पर कि थ्री भी हो सकता है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ज़ीरो वन और माइनस वन. सो नाउ वी रन दिस प्रोग्राम. टू वर्ड्स एंटर करता हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पर अब मैं कैपिटल कर लेता हूँ, सपोज सी को कैपिटल कर लिया जस्ट. अब यहाँ पर आपने देखा कि इक्वल प्रिंट हुआ है, यानी कि यहाँ पर उसने केस को इग्नोर कर दिया. अगर हम सिर्फ स्ट्रिंग कंपेयर का एस टी आर सी एम पी यूज़ करते हैं, सो उसकी एक और वीडियो है, उसमें केस को केस मैटर करता है, ठीक है, अपर केस या लोअर केस. यहाँ पर एक और है कि ये दोनों फंक्शंस का सेम ही काम है कि अगर मैं एंड पर आई लिख दूँ तो अब इसको यहाँ पर रन करके देखते हैं कि जब एंड पर भी आई लिख दिया जाए तो इसका भी सेम मीनिंग है, डिफरेंस नहीं है, जस्ट आई की प्लेसिंग में फ़र्क है, दोनों फंक्शन सेम एक्ट करते हैं. सो यहाँ पर भी इक्वल प्रिंट हुआ है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन लीव अ कमेंट.
थैंक यू।